क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का आभास है कि आपका कितना नुकसान आपका प्रचार तंत्र कर रहा है, आपके अंधभक्त कर रहे हैं, और आपके पक्ष में जो प्रचार चलाया जाता है प्रधानमंत्री, क्या आप उसके पक्ष में हैं? क्योंकि मैंने आपको कई बार यह कहते हुए सुना है कि मुझे दो दो तीन तीन किलो गालियां रोज पड़ती हैं और उसे मैं अपनी ऊर्जा बनाता हूं। आज मैं आपसे क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इस बात पर गौर कीजिएगा। तीन शहरों पर आपको गौर करना पड़ेगा। प्रकाश राज सिंघम फिल्म में विलन का किरदार निभाया था, मगर इनका जो परिचय है उससे भी बड़ा है। काजोल और अन अकेडमी के करण सांघवान, इन तीनों ने कहीं पर भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, मगर भाजपा का प्रचार तंत्र तीनों पर हमला करता है, जबकि इनमें से तीनों ने कहीं पर भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितना नुकसान भाजपा का प्रचार तंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को कर रहा है उनको अंदाजा भी नहीं है, उतना तो कांग्रेस भी नहीं करती। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद में तेरे। प्रकाश राज का जिक्र मैंने किया, मुद्दा क्या मैं आपको बताता हूं। प्रकाश राज ने दरअसल इस ट्वीट में यह तस्वीर पेश की है और यहां आप देख सकते हैं एक व्यक्ति जो है वो कॉफी बना रहा है, उसका एक कार्टून है, और प्रकाश राज इसमें कह रहे हैं कि मून में यानी चंद्रमा में जो विक्रम जैसे ही लैंड करता है, यह पहली तस्वीर सामने उभर कर आ गई है। दरअसल ये तस्वीर किसकी है मैं आपको बताता हूं। यह तस्वीर है एक मलयाली व्यक्ति की, और मैं आपको बताता हूं कि जो मलयाली हैं, खासकर जो केरला में रहते हैं, उन्होंने अपने बारे में एक चुटकुला बनाया हुआ, आज से नहीं, जब नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरे थे तब से। चुटकुला यह है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाइए, आपको मलयाली मिल जाते हैं, केरला की पृष्ठभूमि वाले लोग मिल जाते हैं। प्रकाश राज भी यही कह रहे थे, वो सिर्फ ये बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि वहां पर विक्रम पहुंचा और जैसे ही उसने लैंड किया उसने एक मलयाली को देखा। एक तरह से यहां पर प्रकाश राज किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, मगर पूरा प्रचार तंत्र प्रकाश राज के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि प्रकाश राज वो अभिनेता है जो सच को सच झूठ को झूठ बताते हैं। उन्होंने अक्सर जो धार्मिक कट्टरता भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े नेता करते हैं उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है, ये डरता नहीं है आदमी, और प्रकाश राज पर पूरा प्रचार तंत्र जो है वो कूद पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती की, भारत जो चंद्रमा की तरफ जा रहा है, भारत के मून मिशन की बेइज्जती, और सिर्फ दो रुपल्ली ट्रोल नहीं, इंडिया टुडे, ये देखिए इंडिया टुडे ने बाकायदा एक कार्यक्रम किया जिसमें बताया कि प्रकाश राज ने भारत के मून मिशन का जो है मजाक उड़ाया। मैं आपको बतला चुका हूं दोस्तों कि इसमें भारत के मून मिशन का मजाक नहीं है। ये अक्सर मलयाली अपने बारे में कहते हैं कि भाई आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, और अगर आप इस कार्टून को देखें, ये उस वक्त का कार्टून है, बताया जाता है जब नील आर्मस्ट्रांग या अमेरिका की टीम जो है चंद्रमा पर उतरी थी, और जैसे ही वो लोग उतरे थे वहां पर एक मलयाली भाषी की चाय की दुकान दिख गई थी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, ये वीडियो भी इस बारे में है, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसी जज्बे को पेश किया गया, यानी कि खुद जो मलयाली वो खुद पर हंस रहा है, और अब आप बताइए इसी का जिक्र प्रकाश राज भी कर रहे हैं। यहां पर ना भाजपा का मजाक है, ना प्रधानमंत्री का मजाक है, ना भारत के मून मिशन का मजाक है। आप देख सकते हैं वीडियो, इसमें केले दिखाए गए हैं और जो है धुआं उठ रहा है, इसमें एक व्यक्ति है जो कॉफी या चाय बना रहा है, पीछे केले भी दिखाई दे रहे हैं, और ये अब चाय लेकर चल रहा है सीधे कैसे व्यक्ति के पास गया जो एक एस्ट्रोनॉट है, यानी कि ये जो चाय का ठेला है वो मून पर है और ये व्यक्ति जो है एक एस्ट्रोनॉट को जाकर चाय या कॉफी जो भी है वो देता है। अब बताइए ये वीडियो तो आज से बहुत साल पुराने का वीडियो है, क्या आज से दो साल पहले, आज से कई साल पहले जब भी ये वीडियो आया होगा तब इन्होंने देख लिया था कि भारत का मून मिशन होने वाला है तो चलो उसका मजाक उड़ाया जाए।
आज मैं बात आपसे क्यों कह रहा हूं आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रचार तंत्र की बीमारी बन चुकी है और उसको बढ़ावा कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री दे रहे हैं। कोई मोदी जी का मजाक नहीं उड़ा रहा। एक तो प्रधानमंत्री को भी यह कहना बंद करना पड़ेगा कि मुझे 20-20 किलो या 2-2 किलो गालियां पड़ती हैं, संसद के अंदर भी खड़े हो जाते हैं कि जो मुझे गाली देते हैं मैं उसको अपना ऊर्जा बना लेता हूं। प्रधानमंत्री दो में से एक चीज हो सकती है, या तो 56 इंच का सीना हो सकता है या फिर ये जो रुदाली का आपका चेहरा है जिसमें खुद को बार बार आप पीड़ित बताते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, या फिर इस तरह की बातें जिसमें आप खुद के लिए झूठी सहानुभूति अर्जित करते रहते हैं। प्रकाश राज ने आपका मजाक नहीं उड़ाया, याद कीजिए दोस्तों, अन अकेडमी का पूर्व कोच करण सांगवान सिर्फ ये कहता है कि 2024 में अनपढ़ लोगों को वोट मत दीजिए। अन अकेडमी इतना घबरा जाता है कि उन्हें बाहर कर देता है। इस व्यक्ति ने कहीं पर भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। फिर से सुनिए अन अकेडमी का कोच करण सांगवान कह क्या रहा था जिसकी वजह से उसे नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा, सुनिए। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना। बताइए ना, क्या यहां पर प्रधानमंत्री की बेइज्जती है? नहीं है ना। तो ना प्रकाश राज ने प्रधानमंत्री की बेइज्जती की, ना करण सांगवान ने, और काजोल ने भी बस इतना कहा था। क्या कहा था? कि इस देश में अनपढ़ राजनेता हैं जिनका कोई विजन नहीं, जिनकी कोई सोच नहीं। अब इसको लेकर काजोल पर लगातार हमला किया, काजोल को बाकायदा माफी मांगनी पड़ी। आपको यह बात समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यवस्था की खामी की बात करता है तो वो देश विरोधी नहीं है, हिंदू विरोधी नहीं है, और प्रधानमंत्री मोदी तो बिल्कुल भी विरोधी नहीं है। आपको क्या लगता है काजोल, जिनके पतिदेव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े प्रोपेगेंडिस्ट हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कहेंगी? और चलिए कहेंगी भी तो, मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर कहा भी तो क्या गुनाह कर दिया? क्या प्रधानमंत्री आलोचना से परे हैं? क्या प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं की जा सकती? क्या प्रधानमंत्री मोदी देवतुल्य हैं, ईश्वर के रूप हैं? मैं जानता हूं इनका प्रचार तंत्र अक्सर प्रधानमंत्री को भगवान शिव या भगवान राम से भी ऊपर रखता है, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, याद कीजिएगा। मुझे याद है दोस्तों, मैंने एक पोस्टर देखा था जिसमें प्रधानमंत्री जो है वो भगवान राम का हाथ पकड़ के उन्हें राम मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं, राम मंदिर को लेकर फैसला अदालत का, मगर भगवान राम के स्वरूप को मोदी से नीचे कर दिया। जो नारा भगवान शिव के लिए बनारस में लगाया जाता था, अब वही नारा प्रधानमंत्री मोदी के लिए लगाया जा रहा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। इसमें आपको धर्म का अपमान नहीं दिखाई देता? यानी कि प्रकाश राज करें, करण सांगवान करें, काजोल करें, वो धर्म का अपमान है, वो देश का अपमान है, वो मोदी जी का अपमान है। इस विक्टिमहुड कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलिए, खुद को बार बार पीड़ित के तौर पर पेश करना बंद कीजिए। आप पर कोई हमला नहीं बोल रहा है, और अगर हमला भी बोल रहा है तो यह उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, यह लोकतंत्र है, लोग सवाल करेंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं जानता हूं कि आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मगर जब तक यह तानाशाही नहीं है औपचारिक तौर पर, जब तक आप हमारे जो अधिकार हैं उन्हें नोच नहीं देते हैं, तब तक हर किसी व्यक्ति को आलोचना करने का अधिकार है, बात करने का अधिकार है। और इन तीनों ने, जो मिसाल मैंने आपके सामने दी, उन्होंने तो आपकी आलोचना भी नहीं की थी, उन्होंने तो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जिक्र नहीं किया या प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया। मैं जानता हूं आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना भी करता है या मजाक भी बनाता है, और अगर भाजपा प्रचार तंत्र उसको लेकर रिएक्ट भी करता है, तो मैं ये खबर क्यों कर रहा हूं? मैंने आज का ये शो आपके सामने क्यों पेश किया? गौर कीजिएगा, मैंने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, इस देश के जो नेता होते हैं ना, वो अपनी जनता को सीख और सबक देते हैं,
चरित्र को लेकर, आचरण को लेकर और भविष्य की दिशा को लेकर। मगर अगर जो देश का नेता है, खासकर जो देश का सबसे लोकप्रिय नेता है, अगर वही 24 घंटे इस बात को लेकर देश की जनता के सामने जो है बोलता रहे कि देखो मुझे मार रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, मेरा मुझे गाली दे रहे हैं, तो इसका असर सोचिए देश की जनता पर क्या पड़ेगा। आपको क्या लगता है जब देश की जनता का जो सबसे लोकप्रिय नेता है और उसका प्रचार तंत्र उस लोकप्रिय नेता के नाम पर हमेशा रुदाली करते रहे, पीड़ित बताता रहे उन्हें, तो देश की जनता की सोच पर क्या असर पड़ेगा। अरे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हमने कितना मजाक नहीं उड़ाया। राहुल गांधी 2010 से एक पूरी साजिश रची गई जब वो आदिवासियों के पक्ष में खड़े थे। पहले उस व्यक्ति को पप्पू बताया गया, आज भी उस व्यक्ति के बारे में रोज झूठ बोला जाता है और इस झूठ को आगे फैलाने में मोहतरमा स्मृति ईरानी सबसे आगे रहती है। मगर क्या कभी आपने राहुल गांधी को रुदाली करते सुना है कि देखो मुझे गाली देते रहते हैं। वो व्यक्ति आज भी हंसकर ये बातें करता है और वो ये भी कहता है कि देते रहिए आप गाली, मगर वो कभी भी विक्टिम कार्ड नहीं खेलता। इसलिए प्रधानमंत्री जी आपसे भी मेरी अपील और आपके प्रचार तंत्र से मेरी अपील, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। एक ताकतवर नेता को यह शोभा नहीं देता। आपको विक्टिम कार्ड खेलने का अधिकार तब होता अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, सीबीआई का इस्तेमाल अपने विरोधियों पर ना करते। अगर आपका प्रचार तंत्र आपसे सवाल करने वाले मेरे जैसे पत्रकारों को बदनाम ना करता, झूठा प्रोपेगेंडा ना चलाता, अगर आप यह सब ना करते तब शायद आपको अधिकार होता इस बात को लेकर विक्टिम कार्ड खेलने का। मगर जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेले या राहुल गांधी ने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला, तो आप क्यों बार बार इस तरह से बातें करते हैं? या आपका प्रचार तंत्र 24 घंटे क्यों रोता रहता है? नहीं साहब, ना प्रकाश राज ने, ना काजोल ने, ना करण सांगवान ने, किसी ने भी प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं की, फुल स्टॉप। अब इजहार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।